हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऐप आइकन शेप सेटिंग को आप ना चेंज कैसे कर सकते हैं। ये जो आपके मोबाइल फ़ोन में ऐप्स होते हैं इनका जो शेप है ना, आप इनका शेप चेंज कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा राउंडेड कॉर्नर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन होगा, इसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा राउंडेड कॉर्नर ऑफ आइकन। इसमें आपको नीचे की साइड दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो राउंड शेप में और एक स्क्वायर शेप में, ठीक है। तो आपको ये ऊपर की साइड में मोबाइल फोन के आइकन दे रखे हैं, आपको सैंपल में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेरा इस वाले स्क्वायर वाले शेप पे मेरा पहले से टिक मार्क लगा हुआ है। अगर मैं इसे सर्कल वाले शेप पे सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे एप्स का जो शेप है ना, ये गोल हो जाएगा। ये आप ध्यान से देखिए, ये देखिए गोल हो चुका है। तो इस तरीके से आपके फोन में जितने भी एप्स हैं उनका भी शेप चेंज हो जाएगा। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करेगी आपकी, और इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं ऐप आइकन की शेप को, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से। सेटिंग पेज को ओपन करेंगे तो सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन, इसे सेलेक्ट करना है। और यहां पर आपको सर्च बार में राउंडेड कॉर्नर आपको टाइप करना है। तो आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा राउंडेड कॉर्नर, इसे यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके फोन में।